कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही किसी भी निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मालूम करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि परिचालन क्रियाओं से, ए नंबर डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है यानी कि प्रत्यक्ष विधि, वी नंबर इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करना है। आपके सामने जो दिया गया है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर, ट्रेडिंग एवं पीएल अकाउंट बना करके दिया गया है। ट्रेडिंग पीएल में, ट्रेडिंग में जैसा कि परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, वेजेज, सेल्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, सैलरी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, नेट प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट में दिया है, कोई बात नहीं। दिया है ऑल क्रेडिट सेल्स एंड परचेज वर मेड ड्यूरिंग द लास्ट एक्वायर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वर्ष के दौरान जो भी क्रेडिट सेल और परचेज है सबको लिख दिया गया है। देयरफॉर नो कैश वाज पेड क्रेडिटर और कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर ड्यूरिंग ईयर, मतलब वर्ष के दौरान इसके अतिरिक्त जो भी दिए है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नीचे कहा गया इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अभी आपको डायरेक्ट मेथड से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड ए रखना है, डायरेक्ट मेथड। आपको हेडिंग डालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कॉलम ऐसे बना सकते हैं जैसा आप बनाना चाहें, ऐसे बना सकते हैं। पार्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट, दोनों अमाउंट के कॉलम बने हुए हैं। डायरेक्ट मेथड के किसी भी क्वेश्चन को हम लोगों ने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा अभी पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा, 12वां नंबर सॉरो टाइप वाला। तो मैंने क्या बताया, जैसे कोई व्यवसाय है, व्यवसाय में माल बेचा जाता है, सामान बेचा जाता है, कंपनी सामान बेचती है ना, सामान को बेचने से जो पैसा आए नकदी में, जो नकदी में भुगतान किया जाए सामान से रिलेटेड, उसे हम ऑपरेटिंग वाले में रखते हैं। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट का हमने बताया है, फाइनेंस में मैंने शेयर वगैरह से बताया, जहाँ जहाँ से पैसा आता है, शेयर डिबेंचर वगैरह बताया है। तो आपको लिखना है कैश सेल्स, क्योंकि बिक्री से पैसा आएगा। कैश सेल कितने रुपए का है, कैश सेल क्वेश्चन में देखिए, आप ट्रेडिंग पीएल अकाउंट के क्रेडिट में सेल दिया है, सेल में 9 लाख नकदी का है और 1 लाख उधारी का है, तो आपको 9 लाख रुपया रखना है और कहीं से पैसा आने की संभावना नहीं है। लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, लेस किया जाएगा कैश परचेज, कैश परचेज। कैश परचेज कितना है, क्वेश्चन में देखो दिया है 6 लाख रुपए का। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद क्वेश्चन में देखो वेजेज दिया है, कैश वाला लिखेंगे, क्रेडिट वाली बात यहां नहीं होगी भी। वेजेज ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय में जो वस्तुओं या सेवाओं को बेच करके पैसा कमाया जाता है वहां पर खर्च भी करना पड़ता है। खर्च क्या करना पड़ता है, जैसे वेजेज खर्चा करेंगे, वेजेज, वेजेज क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, तो इसे क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट ए इनडायरेक्ट वाले में जाएगा। सैलरी,
सैलरी वेजेज कितना था 1,00,000 का, सैलरी कितने का है, सैलरी कितने का है 50,000 रुपये का। कहने का मतलब डायरेक्ट में डायरेक्ट पैसा जहां जहां से आए, जहां जहां खर्चा हो। आप पढ़े होंगे ट्रेडिंग अकाउंट तो आपको पढ़ाया गया होगा, या आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमारे पास क्लास है सबकी। तो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा जाता है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट पैसा कहाँ से आएगा, बेचेंगे नगदी बेचेंगे तो आएगा, और डायरेक्ट पैसा जाएगा कहाँ, कैश परचेज करेंगे, वेजेस पर खर्चा करेंगे, सैलरी पर खर्चा करेंगे तो जाएगा। इसको क्या करेंगे, माइनस कर दिया जाएगा, 6,07,07,50,000 माइनस कर दो, 1,50,000 ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे आया आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। जो डायरेक्ट होता है बिजनेस में, हमारा बिजनेस है, सामान को बेचेंगे पैसा आएगा, खर्चा करेंगे डायरेक्ट वाला तो जाएगा। एक होता है इनडायरेक्ट, जिसे डिप्रिसिएशन लगा दिया जाए ना, जिसे डिप्रिसिएशन लगा दिया जाए, और क्या कर दिया जाए, डिप्रिसिएशन लगा दिया जाए, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हो, लॉस हो जाए, आग से लगने से लॉस हो जाए, वो इनडायरेक्ट मेथड में आता है। इसको आप लिख लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, इनडायरेक्ट मेथड बताता हूँ। इनडायरेक्ट मेथड में आपको क्या ध्यान देना है, जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं वो चीज़ें वहाँ कहाँ इनडायरेक्ट में नहीं लिखी जाएंगी, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर इनडायरेक्ट मेथड, बी नंबर इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड में हेडिंग वही रखना है आपको, अमाउंट के कॉलम दो बना देने हैं। मैंने क्या बताया है इनडायरेक्ट मेथड में, सबसे पहले नेट प्रॉफिट पर नज़र बना दीजिए, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में देखो 75,000 रुपये का। कुछ मदों को मैंने कहा है ऐड होंगे, कुछ मदों को मैंने कहा है लेस होंगे। ऐड क्या होंगे, जोड़ेंगे क्या, जोड़ेंगे तो क्या हानियां जोड़ेंगे, कौन सी हानियां जोड़ेंगे, जो व्यवसाय के संचालन से नहीं होती है, जो इसे डिप्रिसिएशन होता है, जो व्यवसाय के संचालन से हानियां होती हैं, ठीक है, जैसे डिप्रिसिएशन होता है, लॉस अगर कोई हो गया वो होता है, इनको जोड़ लिया जाएगा। चालू संपत्ति घटेगी तो जोड़ लेंगे, चालू दायित्व बढ़ेगा तो जोड़ लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, चालू संपत्ति घटेगी, माइनस मतलब घटेगी तो जोड़ लेंगे, चालू दायित्व बढ़ेगा तो जोड़ लेंगे, क्योंकि ये हानि होती है, घटना हानि होती है, दायित्व बढ़ना, और चालू संपत्ति बढ़ेगी तो घटा लेंगे, चालू दायित्व घटेगा तो बढ़ा लेंगे, उल्टा होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। मैंने क्वेश्चन बताया है, मैं सोचता हूँ कि अच्छे से आपको समझा दिया जाए, इसीलिए मैं लिख दिया। क्वेश्चन में देखते चलिए, परचेज मैंने लिख दिया, कैश परचेज लिख दिया, परचेज नहीं लिखना है आपको, वेजेज नहीं लिखना है क्योंकि लिख दिया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट का ऊपर का कुछ नहीं लिखना है, नेट प्रॉफिट मैंने लिख ही दिया है, आपको लिखना है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितने रुपये का, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20,000 रुपये का जोड़ लिया जाएगा, हानि है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इसे जोड़ लिया जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऐसी हानियां हैं तो जोड़ लिया जाएगा, कितना 5,000 रुपये का। उसके बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए दाहिनी ओर, दाहिनी ओर जो घटाया जाएगा
दाहिनी ओर का मतलब क्रेडिट में, जिसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट बिजनेस से नहीं आई है, ये पैसा जमा किया है तब बेचने से नहीं आई है, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना? 20,000 रुपया। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना? 30,000 रुपया। और कुछ नहीं दिख रहा है हमें, और कुछ नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इसको ऐड कर लेते हैं। अभी और एक चीज़ है, हाँ इसे अभी एक चीज़ और है, क्या है देखो क्वेश्चन में, जो क्रेडिट सेल दिया है, ध्यान दीजिएगा, जो क्रेडिट सेल दिया है 1,00,000 रुपए का, ये है देनदार, देनदार का मतलब डेटर, 1,00,000 रुपए का बढ़ा हुआ है, यानी कि संपत्ति बढ़ी हुई है, घटा दिया जाएगा, डेटर 1,00,000 रुपए का, ठीक है 1,00,000 रुपए का। उसके बाद ऐड कर दिया जाएगा, उधार खरीदा है 2,00,000 रुपए का, ये हो जाएगा क्रेडिटर 2,00,000 रुपए का, ना भाई, उधार खरीदा तो लेनदार, उधार बेचा तो देनदार, इसका मतलब हिंदी में लिख सकते हैं उधार खरीदा है, जो दिया है उधार खरीदा, उधार बेचा है, याद रखिएगा ये मेन पॉइंट है। मैंने आपको क्या बताया, पूरे प्रश्न में आप देख लीजिए, जो डायरेक्ट मेथड में लिखा गया वही इनडायरेक्ट मेथड में छोड़ दिया गया, वही जो वहां छोड़ा गया वह यहां पर ले लिया गया, 2,25,000 हो जाएगा 3,00,000, यहां पर 1,50,000 कितना आएगा, 1,50,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो दोनों में एक ही आंसर आया है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद वाली वीडियो में आपके लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे। बड़े बड़े प्रश्न जितने भी हैं लगभग सभी हमारे यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे, इसे आप लिखिए, उम्मीद करते हैं अभी तक समझ में आया होगा, ठीक है।